आपने आलू टिक्की बर्गर से शुरुआत करी। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद ये जो आपने जो नया क्रिएशन निकाला है इसे क्या कहते हैं? कुरकुरा बर्गर है जी। कुरकुरा बर्गर और क्रंची बर्गर कह सकते हैं। क्रंची बर्गर, क्रिस्पी बर्गर, केएफसी। अच्छा ये क्या आइटम है ये, इसकी थोड़ी जानकारी दो मुझे, क्या होता है, कैसे बनता है? सर एक पेस्ट बनता है। हाँ हाँ। पेस्ट को बर्गर में डुबाया जाता है। अच्छा, पेस्ट किस चीज का, जैसे मैं जान सकता हूँ? सर मैदा वगैरह ये चीज। अच्छा, अच्छा, सब कुछ ही। समझ गया। सब करके सब बनाया जाता है। सब बनाया जाता है। हाँ जी। कॉर्नफ्लेक्स में है ना? हाँ, कॉर्नफ्लेक्स। हाँ, कॉर्नफ्लेक्स में डिप किया था। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे एक बर्गर की कीमत कितनी रखी हुई है अभी आपने? 45 का मिनिमम है, मैक्सिमम 75। आपका ये 45 वाला बर्गर है। ठीक है नरेश भैया, ये आपको आइडिया कैसे आया क्रंची बर्गर बनाने का? ये क्रंची बर्गर साथ में मोमोज वाला भाई है आपके साथ में, जो हम मोमोज लगाते हैं। ये मोमोज वाला क्रंची मोमोज बनाया करता था। क्रंची मोमोज बनाया करते थे। हाँ जी। अच्छा। तो फिर मैं अपने डिप करके खुद खाने लगे, पहले खुद इतने खाया एक बर्गर। आप जब तक लेकिन नॉर्मल बर्गर बेचते थे, फिर आइडिया लिया कि बर्गर ही बन सकता है। अच्छा, इस आइडिया को अब बर्गर में हाँ इंस्टॉल किया, फिर लॉन्च कर दिया हमने दिवाली से। लॉन्च कर दिया। हाँ, दिवाली से लॉन्च किया इस दिवाली पे। अच्छा, फिर कस्टमर को भी ठीक लगा? कस्टमर को भी ठीक लग रहा है, आते हैं कस्टमर, काफी कस्टमर बढ़ चुके हैं। इसके अंदर आप एक चीज स्लाइस यूज करते हैं? एक चीज स्लाइस यूज होगी। अच्छा, दो टिक्की जाती है? दो टिक्की जाती है। अच्छा, दो टिक्की है इसके अंदर। हाँ जी। दो चटनियाँ वगैरह? हाँ चटनी, तंदूरी चलेगी इसमें। पहले पहले नॉर्मल मेयोनीज, नॉर्मल मेयोनीज और तंदूरी, फिर तंदूरी। अरे वाह, एक नंबर का लग रहा है ये आपका प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया है। पहले आप शेफ वगैरह रह चुके हो काफी टाइम से ही लगता है? नहीं जी, यही से सीखा है आपने? अच्छा, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है यार। पनीर का स्लाइस है? हाँ जी। अरे वाह, ये कितने वाला प्रिपेयर हो रहा है? ये 75 वाला। 75 वाला। ये एक समझ लो महाराजा बर्गर। महाराजा बर्गर। अच्छा, मैकडॉनल्ड्स के महाराजा बर्गर की टक्कर का है? हाँ जी। टक्कर का नहीं, खा के भी देखोगे आप उससे बढ़िया। इसकी पैटी भी क्रंची होती है? हाँ जी, पैटी क्रंची होती है। अच्छा, पैटी भी क्रंची, बाहर का बर्गर भी क्रंची होता है। ये हरी चटनी डाली है आपने? हाँ जी, हरी चटनी डाली है, फिर मैगी मसाला है। अच्छा, नरेश भाई आपका स्टॉल लगता कहाँ पर है? ये जी सेंट्रल मार्केट, पंजाबी बाग, अपोजिट बंधन बैंक। अपोजिट बंधन बैंक। बंधन बैंक। और कितने बजे से कितने बजे तक? जी हम तो जी 12 बजे तक आ जाते हैं, कुछ शाम को 5:30 से। हाँ हाँ। जैसे 11 बजे तक, तो लॉकडाउन लग गया था, 9:30-10 बजे तक। और किस दिन, किसी दिन बंद? कोई बंद नहीं, कोई दिन बंद नहीं। सेवन डेज ओपन।